नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 15, 16, 17 और 18 पर चर्चा करेंगे। पंचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम दद्मयो महासंघम भीमकर्मा वर्क्योद्र। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के दिव्य शंखों का वर्णन है। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने शंख पंचजन्य को बजाया, अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को और भीम ने अपने शंख पौंड्र को बजाया। यहाँ इन दिव्य शंखों का बजाना सेना का मनोबल बढ़ाना है और उनको युद्ध की शुरुआत के लिए तैयार करना है। अनंत विच्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष्य मणि पुष्पकौ। इस श्लोक में कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। उनके भाई नकुल और सहदेव ने भी अपने शंखों सुघोष और मणि पुष्पक को बजाया। काश्यश्च परमेश्वाश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न दयुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि राजा काश्य जिन्होंने अपने परमेश्वाशक नामक संघ को बजाया और महारथी योद्धा शिखंडी ने अपने संघ को बजाया। इसके अलावा धृष्टद्युम्न राजा विराट और सात्यकी ने भी अपने शंखों को बजाया, जिनको कोई पराजय नहीं कर सका। द्रुपतो द्रौपद्याश्च सर्वश्च पृथ्वीपते शोभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु प्रत्येक प्रत्येक। इस श्लोक में बताया गया कि राजा द्रुपद और उनके पुत्र द्रौपदी जिन्होंने अपने शंखों को बजाया, सभी दिशाओं में युद्ध की तैयारी की। इसके अलावा शोभद्र जिनके बड़े बाहु थे ने भी अपने शंख को बजाया। इन सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंखों को बजाकर युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया। धन्यवाद। राधे राधे, राधे।